फ्रेंड देख लीजिए, अभी हम लोग मतलब ब्रश वगैरह कर लिए हैं, अभी तो कुछ खाए हुए नहीं हैं और अभी जा रहे हैं, तो सामान सभी यहीं छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये रूम जो है हमारे लिए 24 घंटे के लिए मिला है, 24 घंटे का इसका पैसा दिए हैं, तो रूम यही मतलब सारा सामान यहीं छोड़ के जा रहे हैं। एक जोड़ी कपड़ा पहन के बस, दो चार्जर ले रहे हैं, ये देख लो आप खुद देख लो, और पानी बॉटल लेके हम लोग जा रहे हैं दूसरे फार्म सामान लेने के लिए। जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है, वो लोग हमारा लगेज देंगे तो ठीक है, नहीं लगेज देंगे तो हम लोग पुलिस कंप्लेन करेंगे और अपना लगेज लेके आएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ कुछ जो सामान है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ का सामान हमारा लाइफ है, क्योंकि जो कुछ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट उसके बिना तो हमारा कुछ नहीं होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सब वहाँ है हमारा, तो वही लेने जा रहे हैं हम लोग। और हमारा जो राशन वासन का सामान है उसको तो छोड़ ही दो, उसको हम लोग गिनती में भी नहीं ला रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारा बुक्स है जो पढ़ते हैं हम लोग, तो वो हमारा मेन है। बाकी जो गैस सिलेंडर, खाना पीना, बर्तन भाड़ा, रहना, ये कपड़ा लता, ये तो छोड़ ही दो, लेकिन जो हमारा सर्टिफिकेट है वो तो हमारा लाइफ है दोस्तों। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, जैसे वहाँ से सामान हम लोग निकालेंगे, वहाँ जाएंगे, वीडियो शूट करेंगे, दिखा देंगे आप लोगों को, जो सामान बेचना है बेच देंगे, जो रखना है रखेंगे, आधा सामान ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं और आधा जो मतलब जो ज़रूरी है 20 केजी तक ट्रांसफ़र कराएंगे, बुक्स वगैरह, और जो कपड़ा लता है वो हम लोग बाइक में खुद लेके जाएंगे। तो 3 दिन का हमारा जर्नी होगा, घर जाते तक 3 दिन लग जाएगा पहुंचने के लिए, तो इसी वजह से हम लोगों को पैसे के लिए कमी हो रहा है, क्योंकि सामान ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं फिर घर जाने के लिए, तो इसीलिए हमारे पास पैसे नहीं है दोस्तों। और अभी अभी हम लोग 15 दिन में आए हुए हैं यहाँ पे, इसी वजह से क्या बोलते हैं हमारे पास पैसा भी ख़त्म हो गया, जाना आना वहाँ रहना, हम लोग अपना सेविंग करके गए थे और हमारा सारा सेविंग ख़त्म हो गया, जा रहे हैं अभी, तो बस आप लोगों से हेल्प मांग रहे हैं और वहाँ जाने के बाद शूट करेंगे। सो फ्रेंड, फार्म के पास आ गए हैं, देख लीजिए, और फार्म का जो आदमी लोग हैं, 4 आदमी आया था इधर गेट में, अभी बोल रहा है हम लोगों को कि फार्म का जितना सामान है अंदर में सभी वो ला देगा बोल रहा है, लेकिन हमारा कोई भी सामान मिस होता है तो उसका रिस्क कौन लेगा, क्योंकि फार्म का जो रूम है हमारा, वो रूम में सिर्फ ऑनर का कुछ भी सामान नहीं है, ना कंपनी का कोई सामान नहीं, सभी हमारा सामान है, पूरा रूम खाली मिला था हम लोगों को, सारा सामान हम लोग ला के रखे थे, सभी हमारा सामान है, अगर हमारा सामान एक भी मिसिंग होता है तो उसका रिस्क कौन लेगा, मतलब वो लोग अब उनके सामने में हम लोग जाके लेके आते ना, कौन सा अकेला चोरी छुपे लेके आते हैं ना, है होगा ओमन के सामने, उनके सामने में हम लोग सामान को अपना निकाल के लाते, लेकिन सामान को निकालने नहीं दिया जा रहा है, बोल रहे हैं हम लोग लाके गेट में छोड़ेंगे, तो ठीक है गेट में वो लोग छोड़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कोई भी सामान मिसिंग होता है तो कौन जिम्मेदार रहेगा, यहाँ का जो इंचार्ज है वो जिम्मेदार रहेगा या लेबर लोग जिम्मेदार रहेंगे जो हमारा सामान लाएंगे। और मेरे को ये बात मेरे को अजीब लग रहा है कि हमारा सामान लेकिन हम लोगों को लेने लेके जाने के लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, और कहीं ना कहीं ये फिर से हम लोगों को परेशान, हम लोग रिजाइन दे चुके हैं तो हमारा सामान शांति से हम लोगों को ले जाने दें बस, और क्यों इतना तमाशा कर रहे हैं नहीं पता, इतना कुछ हो गया दोस्तों लेकिन इन लोगों का आंट नहीं मरा है अभी तक अपने मतलब अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रहे हैं, अपने में चल रहे हैं। अगर हमारा कोई भी सामान, हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिलता है हम लोगों को, तो हम लोग पुलिस कंप्लेन करेंगे, यहीं पर पुलिस कंप्लेन करेंगे अभी, और पुलिस बुला के हम लोग अपना सामान लेके जाएंगे। तो ये हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि चाबी हम लोग उनको दे के गए थे कि ठीक है चाबी रख ले रहो हम लोग आएंगे बोल के, ताला मार के चाबी हम लोग दे के गए थे, ताकि हम लोगों को लेट वेट होगा तो वो लोग अगर किसी और को बुलाते हैं तो सामान हमारा साइड में रखवा देंगे और कोई रहेगा बोल के, हम लोग इसीलिए चाबी भी दे के गए थे हम लोग। तो अभी ले के आ रहे हैं पूरा मेरा अंडर गारमेंट, सभी सामान मतलब बाथरूम में सूख रहा है दोस्तों, और जेंट्स लोग उसको ले के आएंगे फिर कितना बुरा फील हो रहा है मेरे को, मैं जानती हूँ, और सभी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है फिर भी नहीं मान रहे हैं वो लोग, हम लोगों को लेने नहीं जाने दे रहे हैं, और बस बाहर में खड़े हैं, देख लो फार्म के बाहर में खड़े हैं, देख लो दोस्तों, एक आदमी बैग लेके आ रहा है, हमारा दो है, देखो भैया कोई भी सामान हमारा नहीं छूटना चाहिए, हमारा अंडर गारमेंट तक सूख रहा है भैया, आप लोग जेंट्स लोग हमारा अंडर गारमेंट लेके आओगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा क्या बताओ, मेरे को बोल के तो क्या फायदा नहीं, हाँ उधर ही रखो, सभी रखो उधर ही रखो, बॉक्स नहीं तो हमारा लगेज आ रहा है इधर,
और कैसे ला रहे हैं देखो वो लोग बर्तन अलग वो अलग उसमें थोड़ा उसमें थोड़ा, क्योंकि ऐसे पहले से भरा हुआ था। हम लोग लाते तो जमाते एक साथ और लेके आ जाते, और ये और हम लोग को जाया नहीं जा रहा है। हम लोग बाहर में गेट में के बाहर खड़े हैं मतलब, और मेरे को कभी कभी मोनू के पापा को देख के हंसी भी आ रहा है कि देखो आदमी को परेशान करने के लिए कुछ भी किया जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे रूल्स अपना रहे हैं कि उसमें जोक हो जा रहा है। पूरा सामान आ गया है और अब हम लोग जाएंगे यहाँ से, तो हमारा पूरा सामान मिल गया है बाहर तरफ, पूरा ले आए हैं हम लोग। इसको अभी फोल्ड वोल्ड नहीं करेंगे और जैसा है वैसे गाड़ी बुला के लाद के ले जा रहे हैं उधर बाहर तरफ करेंगे। इधर से पहले हम लोगों को निकलना है, और देखो आदमी लोग कैसे परेशान कर रहे हैं उनको। इधर ओनर फार्म और लेबर लोगों का कोई कसूर नहीं है इसमें, कंपनी वाले उनको मना किए हैं तो वो लोगों को जैसे बोले हैं वैसे ही क्या बोलते हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं। उनमें उसका कोई कसूर नहीं है, ना फार्म का कसूर है, ना फार्म वालों का कसूर है, ना फार्म के लेबर लोगों का कसूर है। जो ऊपर से हमारे जो कंपनी वाले लोगों ने ऑर्डर दिया होगा वही काम वो लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सामान लेके जाएंगे, उसके बाद में उधर जो भी बेचना है, जो फेंकना है, जो जिसको देना है दे देंगे। कम्बल वगैरह सब ओढ़ेंगे, कम से कम वो लोग काम आ जाएगा। न्यू न्यू कम्बल है, दो तीन है, तो वही वही बात है दोस्तों। फ्रेंड देख लीजिए कबाड़ वाला दुकान में आए हैं हम लोग, और अभी क्या बोलते हैं घर जाएंगे। तो सब दे दिए यहाँ सामान, और जा रहे हैं अभी।